आ गया। Neon offers counseling services. कैट टाउन में एक बहुत ही प्यारे इंसान है जो हमेशा दूसरों की परेशानियों को हल करने में मदद करते रहते हैं, फिर चाहे वो दोस्त हो या कोई दुश्मन। आपका स्वागत है बच्चों की परेशानी भगाओ प्रोग्राम में। मैं बड़ा होकर नकाबपोश नियांडर जैसा बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मन लगाकर कड़ी मेहनत करनी होगी और तुम्हें हर वक्त लोगों के जज्बात को समझना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी। ओके, मैं आज से वही करूँगा। डॉक्टर हो का ये प्रोग्राम काफी मशहूर होता जा रहा है, आइए पूछते हैं कामयाबी का राज। अच्छा बताइए, आपकी इस कामयाबी का राज क्या है? सुनो बरखुरदार, मैंने ये दाढ़ी धूप में सफेद नहीं की है। इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। हो गई, मैं बड़ों के लिए कंसल्टेंसी खोलूंगा और देखना मैं इस हो से कहीं ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। आपके दिमाग का जवाब नहीं। तो चलो सबसे पहले मैं तुमसे शुरू करता हूँ। कौन कहो, तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे परेशानी नहीं है सर। जिंदगी का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है, परेशानियाँ है, मुश्किलें हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था सर, मैं तो हर दिन हर पल आपके ही साथ रहती हूँ, तो ऐसे में भला परेशान होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। अच्छा तो फिर जवाब उठा देते हैं, और जवाब ये है कि काउंसलिंग शुरू करूँगा मैं, और मैं उनकी मदद करूँगा जिनकी जिंदगी में परेशानियाँ हैं। यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, आ जाऊँ? आखिरकार एक मोटी मुर्गी फंसने आ गई। मैं किसी को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बता सकती हूँ। मैं तुम्हारा राज राज ही रखूँगा, बेझिझक होकर कहो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? कहाँ से शुरू करूँ, मैं उन दो चीजों के बीच में फंस गई जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। ये तो वाकई मोटी परेशानी है। मैं खाना चाहती हूँ पर दुबली होना चाहती हूँ, दुबली होना चाहती हूँ पर मैं खाना चाहती हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से तुम दोनों काम कर सकती हो। नहीं, मैं एक डांसर हूँ, अब मेरा वजन पहले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से मैं डांस नहीं कर पाती हूँ, मैं हिल नहीं पाती हूँ। ये देखिए कितनी तकलीफ होती है मुझे हिलने में। पूरा बंद करो, धरती के बोझ निकल जाओ। मैंने यहाँ पर आने की गलती क्यों की? क्या इस टाउन में ऐसी कोई परेशान आत्मा नहीं जो मेरी मदद लेना चाहती है? आप फिक्र न करें, मैं हूँ ना। सुनो, जो लोग अपनी जिंदगी में परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए नियॉन सर ने काउंसलिंग सर्विस शुरू की है। नियॉन सर के पास आइए और अपनी परेशानियाँ दूर भगाइए। अरे, इसमें लिखा है कि नियॉन हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर मैं इनसे सलाह लूँ तो हो सकता है टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। अच्छे मार्क्स पढ़ने से आते हैं, सपने देखने से नहीं। नियागो, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी परेशानी यह है कि मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्या करते हो? हमारे पास आइए, अपनी परेशानियाँ दूर भगाइए। हाँ, अभी जाकर देखती हूँ ये चक्कर क्या है। तानुको, तुम यहाँ क्या कर?
ये मेरी बदकिस्मती ही समझो, मेरी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, तुमने भी हमेशा मेरे साथ झगड़ा ही किया है, तुम दोनों भी मेरी कोई मदद नहीं करने वाले, इसीलिए मैं चलती हूँ। रुक जाओ, हमारे भी जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चुप रहो, पता नहीं मैं कभी कभी तुम्हारी बात क्यों सुनता हूँ। पक्का मदद करोगे ना? हाँ, तुम वहाँ बैठ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। हाँ, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा मेरा भाई ही मानतो है। तुम काफी थकी हुई लग रही हो। ही मानतो जैसे शेर के साथ काम करने पर और क्या होगा। ओ, तो ये बात है। मुझे उसके साथ काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, मुझे तुमसे जलन होती है। कौन, काश मेरे पास जूनियर जैसे मास्टर होते जो हर बात समझते है। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी किस्मत तो फूटी हुई है। तब तो तुम्हें कौन से नहीं मुझसे जलन होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करता। एक और खड़ी क्या हो, जाओ जाकर इसके लिए चाय लेकर आओ। अब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ ना? लेकिन ही मान तो तुम्हें आने नहीं देगा। क्या, मैं पहले गांधीगिरी का इस्तेमाल करूँगा और अगर नहीं माना तो दादागिरी करूँगा। कहीं उल्टा ना हो जाए। क्या क्या कहा तुमने? उस पर तुम्हारी धमकियों का असर नहीं होगा, ये मत भूलो कि उसके बाजुओं में अब भी दम है। तुम न्योन सर को जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरा बड़ा भाई जंगल का राजा है, तुम उस शेर खान के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्यों आई? मैं तो इसलिए आ गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ बैठे बैठे कुर्सी तोड़ो। बाय बाय। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, घर जाकर खाना खाओ। StarTuneSendia.blogspot.in नहीं आ रहा और समझ में नहीं आता कि वजह क्या है। आप इस तरह से उदास न होए सर, मैंने सुने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सड़े हुए तम्बू में बैठकर मक्खी मार रहे हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। तन 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 को मजा उठो। अब मैं देख, सुनो सुनो, नियंडर सलाह लेने के लिए कंसल्टेंट के पास आने वाला है। क्या कहा? नियंडर आने वाला है? हाँ सुना है, उसे गर्लफ्रेंड ढूंढने में परेशानी हो रही है। इतने बड़े टाउन में उसे मनपसंद गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही है, वो उसी को ढूंढ रहा है। मुझे नियंडर कितना पसंद है। मुझे वहाँ जाना होगा, तो चलो वो वहीं आएगा। मैं भी किसी को अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ, कोई मुझे नहीं समझ पाता। अरे वाह, लॉटरी लग गई, छप्पर फाड़ गए। मैं वाकई मशहूर हो गया हूँ, देखो मेरे आसपास कितनी भीड़ है। मत करो, लाइन लगाओ, एक एक करके अपनी परेशानी बताओ। नियंडर, नियंडर मैं नहीं जानता, मैं उसका सकित भी हूँ क्या? जल्दी से बताओ, मेरा है सिर्फ मेरा। नियंडर कब आएगा बताओ? तुम्हारा मतलब है हम नियंडर से नहीं मिल सकते, छूटे नहीं गए, बेईमानी करते हो। अगर हम इसी तरह करते रहे तो ये तम्बू गिर जाएगा। नीचे गिर गया है, मुझे इसे किसी तरह ऊपर उठाना होगा। डरो मत, मैं आ गया हूँ। मुझे बताओ तुम सब ठीक हो ना? देखो नियंडर आ गया। इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों का एक साथ आना खतरनाक हो सकता है। अच्छा चलता हूँ। पिदोरी की किस्मत कितनी अच्छी है, वो हर वक्त नियंडर के साथ रहता है। अगले जन्म में मैं भी पिदोरी बनना चाहती हूँ। चलो उसका पीछा करें। रुक जाओ नियंडर। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिदोरी, तुम हमेशा मुसीबत में मेरी मदद करते हो, मेरे हर काम में मेरे अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ देते हो। उम्मीद है तुम हमेशा ऐसा ही करोगे। नियंडर
ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत एक्शन फिल्में देखते हैं। चलो कम से कम मेरा प्लान तो कामयाब रहा। तुमने कल से जाकर कहा कि नियंजर यहाँ आने वाला है। अच्छा मैं चलती हूँ। आप कहाँ हैं सर, कुछ तो बोलिए। ओ मेरे नियॉन सर। मैं यहाँ तंबू के अंदर हूँ। सर ये सब तानू का किया जा रहा था। डॉक्टर हो का बच्चों की परेशानी भरा प्रोग्राम। सर आप कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। हो, तो तुम इसलिए परेशान हो कि तुम मशहूर नहीं हो रहे। मेरी चाल उल्टी पड़ जाती है, मैं मशहूर क्यों नहीं हो पाता। मशहूर होने के लिए जरूरी है कि खुद के अंदर बहुत भरोसा हो, जैसे कि मुझे खुद पर है। मुझे ये शक्ति हासिल करने के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि किस्मत को मुझ पर तरस आएगा। नियॉन ने परेशानियाँ दूर भगाने के लिए काउंसलिंग सर्विस खोली, पर वो नहीं चली, बल्कि उसने तो लोगों को और भी परेशानी में डाल दिया भाई। दूसरी तरफ शहर की सारी लड़कियाँ नियंडर के पीछे भाग रही हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर।